मिल्लत ट्रैक्टर्स जो कि 1964 में पाकिस्तान में बनी और 1965 में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई, जो कि अब MTL के सिंबल से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऑपरेट करती है। आज हम इसको कम्प्लीटली एनालाइज करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, जिसमें हम कंपनी की प्रोफाइल को, बिजनेस मॉडल्स को कम्प्लीटली A to Z स्टडी करेंगे और इसके फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल एनालिसिस तक सब करेंगे। फिर इसके कम्पिटिटर्स की बात करेंगे और एट दी एंड हम स्टॉक को देखेंगे कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है और इस स्टॉक को किस प्राइस पर बाय करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और आपका मजीद कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, जिसका रिप्लाई 100% होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मिल्लत ट्रैक्टर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, जिससे हम इस कंपनी की प्रोफाइल, इस कंपनी का A to Z देखेंगे कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, सारी प्रोडक्ट्स A to Z सब चीज़ें। तो यहाँ पर जो मिला, ये मिल्लत के एक्सपोर्ट्स हैं, ये मतलब सारा इनका ओवरव्यू है, ये हम आगे चलकर देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली हैं कि ट्रैक्टर्स। अब ये ट्रैक्टर्स आप बहुत ज़्यादा मॉडल्स के ट्रैक्टर्स हैं, ये ट्रैक्टर्स बनाती है। इसी तरह ही इम्प्लीमेंट्स मीन के जरिए आलात के, जो कि एग्रीकल्चर में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जनरेटर बनाती है। इसी तरह ही फोर्क लिफ्टर्स बनाती है, जिस तरह के कुछ उठाने वाली चीज़ें लाइक जिस तरह कार्स उठाई जाती हैं, गाड़ियाँ उठाई जाती हैं, इसी तरह ही स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो बनाती है, जो भी स्पेयर पार्ट्स जनरेटर्स में बनाने के लिए यूज़ होते हैं, या इसी तरह ही कोई ज़रिए आलात बनाने में, ट्रैक्टर्स बनाने में जो भी यूज़ होते हैं, काफ़ी हद तक कंपनी ये जो स्पेयर पार्ट्स बनाती है। इसी तरह ही कंपनी की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। तो इस हवाले से ये कंपनी बहुत अच्छी है कि इस कंपनी की जो इनकम है वो डॉलर में भी है, और इसी तरह ही इनकी एक IFS एप्लीकेशन भी है, और मिल्लत रहनुमा जो है इनके ये भी है जो प्रोडक्ट में शामिल है। तो ये मिल्लत ट्रैक्टर्स की जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं ये हैं। अब यहाँ पर इसका जो हम लोग फर्स्ट ओवरव्यू देख लेते हैं थोड़ा सा, तो मेन पेज पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये उनको देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने विजन दिया हुआ है कि मिल्लत जो है वो एक ग्लोबल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ बनना चाह रहा है। ये ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, यहाँ पर रिकॉग्नाइज करती है अ रेंज ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स के, क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं विद इनोवेटिव डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ के। अब नेक्स्ट जो है इनका, इसी तरह ही ये इनको जो मिशन वगैरह जो है इनके, ये मार्केट लीडर बनना चाहती है और मार्केट लीडर है अभी, ये एक ब्लू चिप स्टॉक है। अब इसका कंपटीटर यहाँ पे मार्केट में सिर्फ एक ही है, जो कि है अलगाजी ट्रैक्टर, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये अपने मिशन में बताते हैं कि मिल्लत ट्रैक्टर्स जो है एक एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के लीडर है, इसी तरह मशीनरी के लीडर है, बिल्डिंग कंपनीज़ के इमेज थ्रू इनोवेशंस एंड कम्पिटिटिवनेस के, इन्होंने अपनी जो इमेज है वो क्रिएट की है कम्पिटिटिवनेस से, इनोवेशन से, और ये ग्रो करती हैं, एक्सपेंडिंग अपनी मार्केट को एक्सपेंड करने से ग्रो करी हैं, ये ग्रो भी कर रही हैं, आगे इन्वेस्ट भी कर रही हैं इन टू ग्रुप कंपनीज़, जो इनकी अपनी ग्रुप की कंपनीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट भी करी हैं, और ये इंश्योर भी करवाती हैं सेटिस्फेक्शन तो कस्टमर्स भी, इनके कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा ये जो एक ब्रांड बन चुका है, तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। और इसकी जो नेक्स्ट है ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर के मिल्लत जो एक्सपोर्ट्स हैं इसकी, तो 2500 प्लस ट्रैक्टर्स की जो सेल्स हुई हैं इनकी, मतलब कि इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है कि एक माइलस्टोन अचीव किया है कि 2023 की नस्बत 2024 में इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी गुना ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पर ये भी है इनके प्रोफाइल में कि वज़ीर आला ने जो ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम स्टार्ट किया 2024 में, उससे भी जो कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, उसका जो मेन जो है जो कंपनी का जो कस्टमर बनेगा वो मिल्लत ट्रैक्टर ही बनेगा। मिल्लत ट्रैक्टर से ही जो गवर्नमेंट है वो जो ट्रैक्टर्स है वो बाय करेगी, परचेज करके जो फार्मर्स हैं उनको देगी। तो यहाँ पर ये जो स्कीम है इससे भी इस मिल्लत ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मिल्लत ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है। तो अब मैं आपको कंपनी के मेन जो पेज है उससे कंपनी की प्रोफाइल में लेकर आया हूँ, और स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर विजन जो है कंपनी का और मिशन जो है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटस है कंपनी का, ये मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के जो बनी थी वो 8 जून 1964 में बनी थी। इसी तरह डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है ऑपरेशंस की वो 1964 में 15 जून से स्टार्ट हो गई थी, और डेट ऑफ लिस्टिंग जो है 1965, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था, ये कराची स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी, क्योंकि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सारी जो स्टॉक एक्सचेंज थी उनको मर्ज करके एक ही नाम दिया गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। तो अब जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है ये उसमें लिस्टेड है, वो एक ब्लू चिप कंपनी कंसिडर की जाती है। तो ये इनके बाकी डिटेल है, यहाँ पर इनके जो ऑफिस हैं उनकी डिटेल मैंशन है। तो यहाँ पर ये एक जो ग्रुप कंपनीज़ हैं, यहाँ पर ये जो बोलान कास्टिंग्स लिमिटेड है इसकी बात करते हैं। बेसिकली जो मिल्लत ट्रैक्टर्स ट्रैक्टर या बाकी जो चीज़ें अपनी प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए जो स्पेयर पार्ट्स बाय करती है वो बोलान कास्टिंग से बाय करती है। अब यहाँ पर ये एक अच्छी बात ये भी है कि जो बोलान कास्टिंग है ये खुद एक सब्सिडी कंपनी बन चुकी है मिल्लत ट्रैक्टर की,
मीन कि इसके पास 51% तकरीबन शेयर है मिलर ट्रैक्टर्स के पास इस बोलान कास्टिंग के। अब इसका सारे का सारा होल्ड, सारी की सारी मैनेजमेंट अब मिलर ट्रैक्टर्स है, कि मतलब बोलान कास्टिंग को टोटली मिलर ट्रैक्टर्स की मैनेजमेंट कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर इन 1993 द कंपनी इन कोलेबोरेशन विद द एम्प्लॉयज ऑफ बोलान कास्टिंग लिमिटेड एक्वायर द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ बोलान कास्टिंग, मतलब कि इन्होंने एक्वायर की, इन्होंने मैनेजमेंट ले ली, इसका कंट्रोल लिया बोलान कास्टिंग्स का बाय परचेजिंग 51% ऑफ द कंपनी शेयर्स, मतलब कि इन्होंने 51% जो कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए थे और इन्होंने एक्वायर कर लिया था इस बोलान कास्टिंग के मैनेजमेंट का होल्ड। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी जो कंपनी चली और ये 50% से ज़्यादा की ही जो मतलब जो स्पेयर पार्ट्स है वो मिलर ट्रैक्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह आगे जो सब्सिडी है इसकी वो मिलत इक्विपमेंट है। ये जो मिलत इक्विपमेंट कंपनी है ये 1993 में बनी, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। उसके बाद ये पब्लिक हुई 2004 में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। और ये भी इसके कंपनी है जो कि इंडस्ट्रियल व्हीकल्स के पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, एग्रीकल्चर ऑटोमोटिव वगैरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है उनका बिजनेस है इनका भी। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है मिलत इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, ये मिलत इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है एक सब्सिडी है मिलत ट्रैक्टर्स लिमिटेड की ये भी। तो कंपनी इंगेज करती है बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ व्हीकुलर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक बैटरीज। तो ये मिलत इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है ये बैटरीज प्रोड्यूस करती है और इनका ये बिजनेस है, ये भी सब्सिडी है मिलत ट्रैक्टर्स की। एंड नेक्स्ट जो कंपनी है टीपैक इंटर ट्रेड DMCC। अब ये जो है कंपनी ये इनको जो एक्सपोर्ट करती है ये मिलत ट्रैक्टर्स उसमें बहुत ज़्यादा जो रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर देखेंगे एक्टिंग एज अ ट्रेडिंग आर्म फॉर एक्सपोर्ट ऑफ अवर मिलत ग्रुप कंपनीज, जो कि एक्सपोर्ट करती हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा हाथ है और बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। एंड इट्स एसोसिएटेड वेंडर्स, और इसके जो वेंडर्स वगैरह हैं ये बहुत ज़्यादा एसोसिएट हैं। तो यहाँ पर जो इनका काम है ये बहुत ज़्यादा मिलत ट्रैक्टर्स के साथ चलता है। तो अब यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव और इसके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इस कंपनी का जी यही है कि जो जो कंपनी है कॉन्स्टेंटली जो ग्रो कर रही है मार्केट लीडर होने के तौर पर, वो ये जो शेयर मार्केट में जो टेक्नोलॉजी है पेस शटल एंड कंटिन्यूसली इंप्रूविंग एफिशिएंसी, कि ये अपनी स्टॉक मार्केट में अपनी जो इनोवेशंस भी ला रही है, अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव भी कर रही है और अपनी जो कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ कर रही है, कि इसका कोई कम्पिटेटिव भी ना हो, कि इसका कोई कम्पिटेटर आगे खड़ा ना हो जाए इन फ्यूचर, कि ये कंपनी सिक्योर ही है। और नेक्स्ट ये कहते हैं कि कंटिन्यूसली जो इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को टू एम टू जनरेट अर्निंग्स सफिशेंट टू इंश्योर अ सिक्योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक सफिशिएंट जो अमाउंट है वो भी जनरेट कर रहे हैं, इनका एम है ये भी। तो ये कंपनी है एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है लीडरशिप को और बहुत ज़्यादा रिटर्न को भी इंक्रीज़ कर रही है। ये कंपनी चाहती है कि जो इन्वेस्टर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी एक अच्छा खासा रिटर्न दिया जाए। तो ये कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करें नीचे, तो ये अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में भी अपने जो प्लांट्स हैं उनको भी इम्प्रूव करने की, इसी तरह अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी इम्प्रूव करने की बात करते हैं इन फ्यूचर। तो यहाँ पर कंपनी का आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का जो रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ से आते हैं, कंपनी की आगे सेल्स वगैरह बाकी जो सब चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। तो अब हम जो कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ जाते हैं और कंपनी को फंडामेंटली स्टडी करते हैं। तो अब हम ये PSX की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। जो अब ये देखें कि मिलर ट्रैक्टर्स का जो शेयर प्राइस है इस वक्त की 555.23 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुई है। ये इस टाइम का जो जो टाइम है इस टाइम आपको मिलर ट्रैक्टर का शेयर बाय करना चाहिए। अगर थोड़ी और नीचे जाती है तो बेस्ट टाइम होगा। अगर अब अदरवाइज़ जो इसकी अनाउंसमेंट है वो बहुत जल्द आने वाली है, तो इसकी अगर अनाउंसमेंट आ गई और इसने पे आउट दे दिया तो ये जो 600 से नीचे जो शेयर है ये मिलेगा ही नहीं। अब यहाँ पर जो 52 वीक्स की रेंज इसकी देख ले, 676 एक ही साल में जो 676 रुपीज़ टच किया इसने, वो जो लो था वो 420 था। तो यहाँ पर जो इसके हम जो चेंज वगैरह देख लें, लास्ट ईयर जो चेंज था वो 31% था, लेकिन अभी तक जो चेंज है वो माइनस में है। तो यहाँ पर अब नीचे हम इसके प्रोफाइल देख लें तो इसका जो फ्री फ्लोट है वो 45% है और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 106 अरब है। तो अगर नीचे आके हम इसके जो देख लेते हैं जो सेल्स, तो यहाँ पर 2021 में इसकी जो सेल्स थी वो थी 43 अरब, जो कि बढ़कर 2022 में 53 अरब हो गई, और 2023 में इसकी जो सेल्स थी वो डिक्रीज़ हुई जो कि 44 अरब तक थी, और 2024 में इसकी सेल्स ने आखिर जो हाई लेवल का जंप लिया जो कि 91 अरब की इसकी सेल्स हुई, और इसी तरह ही इसका प्रॉफिट भी उसी तरह जम गया। तो 2021 से लेकर 2024 है उस तक का प्रॉफिट भी अगर देखें तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हाई गया है। और इसी तरह जो अर्निंग पर शेयर है 2021 में इन जो 59 रुपीज़ थी 22 में डिक्रीज़ हो गई, 23 में और ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई, लेकिन 24 में अर्निंग पर शेयर उसी तरह ही ऊपर चली गई।
तो चूंकि जिस तरह 2022 और 23 में इसकी अर्निंग पर शेयर डिक्रीज भी हुई, लेकिन उसने फिर भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया, चूंकि ये एक इसी लिए ब्लू चिप कंपनी कंसिडर की जाती है। तो इसका अगर हम नीचे आए और इसके पे आउट की बात करें तो यहाँ पर देखें जी, पे आउट 2000 ये तकरीबन बोनस शेयर बहुत ज़्यादा अनाउंस करती है। तो 2021 में इसने बोनस शेयर्स अनाउंस किए, 22 में अनाउंस किए, 23 में अनाउंस किए और 24 तक अभी तक इसने बोनस शेयर जो है अनाउंस नहीं किए, और इसकी जो रिपोर्ट है वो आने वाली है और उम्मीद है कि अगर इसने बोनस शेयर ना भी अनाउंस किए तो ये अच्छा खासा डिविडेंड जो है अनाउंस करेगी। तो यहाँ पर हम इसके जो रिपोर्ट्स हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इस पर आते हैं। तो ये मेरे पास मिलर ट्रैक्टर की जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है वो है, जिसमें इनको 60 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं जो है। इसकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो 2023-24 की है। तो 2024 में जो मिलर ट्रैक्टर है उसको 60 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, जो कि 1964 में जैसे कि आपको बताया कि वो बनी थी। तो नीचे आकर हम अगर इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें तो यहाँ पर जो की फीचर्स 2024 के हैं, तो यहाँ पर जो मतलब डिविडेंड वगैरह तो अभी इन्होंने थोड़ा कम ही दिया है, लेकिन अभी अनाउंसमेंट होगी तो ये कंपनी जो है डिविडेंड और बोनस शेयर्स भी अनाउंस करेगी जहाँ तक उम्मीद है। तो यहाँ पर जो कंपनी की अगर हम ये दूसरी साइड पर आ जाएं इसके पॉइंट्स पर, तो 2020 है उसमें जो कंपनी ने 1000 जो ट्रैक्टर्स है वो सेल किए थे यूनिट्स, वो 2021 में जो 2000 ट्रैक्टर्स जो हैं वो सेल किए थे, और इसी तरह 2022 में 23 में भी इन्हें इनकी जो इम्प्रूवमेंट हुई वो इन जो 2023 में थी वो इनकॉर्पोरेशन थी MRO जो कि मुल्तान में हुई थी, और 2024 में जो मेन इनका किया जो की पॉइंट है वो ये है कि एक्सपोर्ट इनकी इंक्रीज़ हुई 2021 में जो 2000 ट्रैक्टर्स की यूनिट्स की सेल थी, 2022 से इसमें थोड़ी डिक्रीज़ हुई तो वो 24 में इंक्रीज़ होकर 2500 ट्रैक्टर्स पर आ गई। तो 2500 ट्रैक्टर्स इन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं, तो मेन कंपनी की एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। अब इसके लिए ये बताता चलूँ कि ये जो एक्सपोर्ट करते हैं ये यहाँ पर करते हैं अफ्रीका में, अफगानिस्तान में, इसी तरह ये जो दूसरी कंट्रीज़ हैं आसपास, यहाँ पर ये ग्रुप स्ट्रक्चर है मिलत जो का, जो कि हमने आगे डिस्कस कर लिया है, टीबैग इंटर ट्रेड है, इसी तरह मिलत इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, मिलत इक्विपमेंट है, बोलान कास्टिंग जिसके इनके पास 51% शेयर और इनकी होल्डिंग भी इनके पास आ गई है जो मैनेजमेंट की। अब इसी तरह जो इन्होंने अपनी हाईलाइट्स दी हुई हैं नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह के अकॉर्डिंग, हम बाकी नीचे इनकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर ये नीचे SWOT एनालिसिस आ गए, तो हम इनको देख लेते हैं कि कंपनी के जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या हैं। तो कंपनी की स्ट्रेंथ्स है कि जी मार्केट लीडर है ये, और इसी तरह कंप्रीहेंसिव जो डीलर है वो ये है जो थ्रू आउट दी कंट्री, और इसी तरह पार्टनरशिप है इसकी जो AGCO उसके साथ जो कि टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज़ जो शेयरिंग है उसमें है, और इसी तरह जो इनकी वीकनेसेस पर बात करें तो ये लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन जो है इसकी एक वीकनेस है, और इसी तरह दूसरी भी जो वीकनेस है इसकी ये है क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई चेन, के सप्लाई चेन में भी अगर कुछ जो क्वालिटी या रिलायबिलिटी में कुछ दिक्कत आती है तो ये भी इसकी एक वीकनेस है। और अगर हम नीचे बात करें इसकी अपॉर्चुनिटीज़ और इसके थ्रेट्स की, तो थ्रेट्स में बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है कि जो ग्लोबली इनको इशू कोई फेस आता है तो ये इनके लिए एक थ्रेट साबित होगा, और इसी तरह पाकिस्तान में कंपनी है। तो दूसरा है इन्फ्लेशन एंड करेंसी डिवेल्यूएशन, अगर करेंसी डिवेल्यूएट होती है तो इनको फ़र्क पड़ेगा, ये कंपनी जो है नुकसान में जाएगी। और इसी तरह जिस तरह के अगर अब इनकी जो एक्सपोर्ट्स है वो इंक्रीज़ हो ही जा रही हैं, अगर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होंगी तो कंपनी का ये थ्रेट थोड़ा कम होगा, अदरवाइज़ ये थ्रेट कंपनी को बहुत ज़्यादा रहेगा, और इसी तरह इन्फ्लेशन वगैरह भी जब होगी। और तीसरा है जी इनकंसिस्टेंट टैक्स पॉलिसीज़, अब जिस तरह के FBR का और मिलर ट्रैक्टर का भी इशू चल रहा है तो इशू रिजोल्व होगा, ये यहाँ पर यही बात करते हैं कि जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं उस पर जो कंपनी को थ्रेट्स हैं, और जो कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जी एक्सपोर्ट है, जो कि अपनी एक्सपोर्ट को ये एक्सपेंड कर सकते हैं मिडल ईस्ट वगैरह में, अफ्रीका में, जिस तरह की मैंने अभी बात की थी, तो ये इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी मार्केट को बाय शेयर एक्सपेंडिंग स्पेयर पार्ट सेल्स, अपनी स्पेयर पार्ट की सेल्स से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह फार्म मैकेनाइजेशन इनकी अपॉर्चुनिटी में है। तो यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर भी कंपनी अपना बताती है कि 9% जो है इसके लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, और जो इक्विटी है वो 91% है। तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पर भी ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, कि जो इक्विटी है उससे ज़्यादा कभी भी लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर तो 9% है, तो यहाँ पर भी कंपनी एक अच्छी स्टेज पर खड़ी है। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट पर आते हैं टू दी शेयर होल्डर्स, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए है 30 जून 2024 तक के एंड तक। तो यहाँ पर 2024 तक जो 30 जून था वहाँ तक की रिपोर्ट हमारे पास हमारे साथ शेयर हुई है। तो ये अप्रोप्रिएशंस में ये जो हाई कोर्ट के साथ मिलर ट्रैक्टर्स का मसला चल रहा था जो कि काफ़ी हद तक सोल्ड आउट हो गया, और मटेरियल जो इन्फॉर्मेशन है
मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है वो भी तकरीबन 20-25 अक्टूबर तक अनाउंस होने वाली है। तो यार जब वो होगी तब जो डिविडेंड वगैरह है वो भी अनाउंस होगा। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और एंड अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम पर आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जी, हमारे पास जो रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स विद कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स है वो बेसिकली 2023 से 44 अरब से इंक्रीज होकर 91 तक आया। अब यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कि प्रॉफिट जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर ये भी इंक्रीज़ हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब जो ब्रैकेट में यू नो वो अमाउंट कंपनी से बाहर गई होती है और जो ब्रैकेट में नहीं होती वो कंपनी के पास आई होती है। तो कंपनी ने जो रेवेन्यू इकट्ठा किया उसकी जो अपनी प्रोडक्ट्स है, और अब उन प्रोडक्ट्स को जो बनाने पर जो सेल्स कंपनी की कॉस्ट आई थी वो भी बाहर से जानी थी कंपनी के, तो सेल्स भी कंपनी की इंक्रीज़ हुई और कंपनी के जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो गई। तो कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ होना ये सबसे जो अच्छा पॉइंट है। 2024 में कंपनी की जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर अगर देखें तो यहाँ पर 2023 में जो प्रॉफिट था वो था 3 अरब का, जो कि 3 अरब से बढ़कर 2024 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मीन पैट जो था वो बन गया 9.9 अरब, मतलब कि 10 अरब। और इसकी जो अर्निंग पर शेयर 2023 में 17.61 थी वो 51.70 होगी। बाकी जो सेल्स वगैरह कोर्स वो हमने पहले ही जो कंपनी का ओवरव्यू था PSX के डाटा पोर्टल से वो कर लिया था। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमने देखना है कि जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़, मतलब जो कि लाइबिलिटीज़ थी कंपनी पे, वो इंक्रीज़ हुई हैं कि नहीं। तो 2023 की निस्बत जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कंपनी की डिक्रीज़ हुई हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है कि कंपनी ने जो लोन है वो कम किया है अपना 2023 की निस्बत 2024 में, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसी तरह अगर हम नॉन करंट एसेट्स को देख लें तो वो इंक्रीज़ होने चाहिए, तो देखते हैं यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो कंपनी के एज सच ही रहे हैं, माइनस डिक्रीज़ आया है। यहाँ पर कंपनी का इंक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन कोई अगर इंक्रीज़ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि नॉन करंट जो लाइबिलिटीज़ हैं वो डिक्रीज़ हो गई हैं, ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक साइड तो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हुई है ना, कि एक साइड इम्प्रूव हुई है। तो यहाँ पर जो कंपनी ने जो लोन है वो अपने उतारे हैं। तो हम अगर ओवरऑल करंट एसेट्स को भी देख कर हम इसके एसेट्स की बात करें, तो 2023 में जो इसके एसेट्स है वो 25 अरब थे, जो कि 2024 में 30 अरब तक एसेट चले गए। मतलब कि इसके ने एसेट्स को इंक्रीज़ किया है, लेकिन उसने करंट एसेट्स को इंक्रीज़ किया है, जो कि विद इन 1 ईयर जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हों। तो यहाँ पर अगर लाइबिलिटीज़ की बात करें, टोटल लाइबिलिटीज़ को देख लेते हैं करंट और नॉन करंट वगैरह को, तो यहाँ पर जो इनके करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ उसमें भी थोड़ा इंक्रीज़ आया है। तो अब हम आ गए हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के ऊपर। तो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो 2023 में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ थी उसमें जो कैश था कंपनी का वो आउट हुआ था ज़्यादा, और 2024 में इसका जो कैश था वो यहाँ पर रिजर्व में आ गया, कंपनी के पास मौजूद था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ पर ये बेसिकली जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है ये हमें ये बताती है कि कंपनी की एक्चुअल फिगर्स, तो चूंकि कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो हम ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब हम टेक्निकल की बात करते हैं। बेसिकली ये टेक्निकल में अगर हम आएँ तो यहाँ पर ये आप देखें, इस वक्त जो प्राइस है स्टॉक की वो है 555.23 रुपीज़। अब ये 555 का एक स्टॉक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी बाइंग जो है नीचे थोड़ी जाए तो बाइंग आपकी बन सकती है, यहाँ पर भी आप बाय कर सकते हैं। यहाँ से नीचे अगर चली जाए 516-515 तक, तब आपकी बाइंग ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो आप अगर 516 से 520 तक बाय कर लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। तो लास्ट टाइम भी मार्च के मंथ में ये इसी इससे ज़्यादा थोड़ी बिलो स्टेज से ये इसने जो पंप हुआ वो 660 कुछ रुपीस पे चला गया, जो 660 रुपीस पर गया था। उसके बाद जो जैसे ही इसमें जो न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई और जैसे जैसे इसकी परफॉर्मेंस, इसने पे आउट नहीं दिया जो मई जून में आता है वो भी नहीं दिया, जिसकी वजह से इसकी प्राइस डाउन होना स्टार्ट हो गई। अब जैसे कि रिसेंटली अभी जो प्राइस है जो शेयर की वो बहुत ही बिलो है, क्योंकि अब जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो भी होने वाली है, तो यहाँ पर आप बाय कर लें तो अच्छा है। ये जो ग्राफ है ये अगर हम थोड़ी पिछली हिस्ट्री भी देखें तो जहाँ पर ये बिलो आता है उससे अबव जाकर ये पम्प हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे अगर जाएगा भी तो यहाँ से पम्प होगा। तो यहाँ पर यही उम्मीद है कि ये आगे जो नए कुछ दिनों में ही ये जो स्टॉक है ये पंप होने वाला है, तो यहाँ पर आप इस स्टॉक को जितना पिक कर सकते हैं कर लें। तो अगर हम इस कंपनी की मैं अपने अपनी रिकमेंडेशन की बात करूँ और आपने जो भी स्टडी किया इसमें, तो यहाँ पर ये कंपनी फुल बेस्ट है। जिस तरह लास्ट टाइम हमने इंटरलूप की एनालिसिस किए थे
तो आप उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी कंपनी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल में इसका जो कंपिटिटर वो एक अलगाजी ट्रैक्टर्स है, जो कि वो इसका कंपिटिटर भी नहीं है, इसके जिस जो सेक्टर है उसकी कंपनी है। तो कंपिटिटर तो इसके पास पास कोई नहीं है, तो ना ही इसका कोई कंपिटिटर बनता नज़र आ रहा है। तो ये जो ट्रैक्टर की कंपनी है ये बहुत अच्छी और बहुत ही आउट परफॉर्मिंग कंपनी है, जिसको हम ब्लू चिप स्टॉक भी कह सकते हैं। तो ये इसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये तमाम एनालिसिस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।